आज का लफ्ज एल्मो में मरी गया था। मरी? मरी क्या करने गए थे? मैं सैर करने गया था। एल्मो को भी सैर का बहुत शौक है। और मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए बहुत सी चीजें लाया हूँ। तुम्हारी पसंद की चीजें। तो अब इमोजी दिखाएंगे एल्मो को कि वो सब के लिए क्या क्या लाए। एल्मो के लिए मैं तस्वीरों वाली किताब लेके आया। एल्मो को तस्वीरें बहुत पसंद हैं। तुम्हें पसंद है ना? और ये कहानियों वाली किताब किरण के लिए। किरण को कहानियां बहुत पसंद हैं। और ये अखरोट का हलवा बिल्लू भाई, बिल्लू के लिए। और ये मूंगफली रानी के लिए, रानी के लिए। रानी को पसंद है। हाँ। और क्या देख रहा है? ये रेवड़ियां हैं, ये हैं मुन्ने के लिए। एल्मो को तो सबकी पसंद का पता है। एल्मो को ये भी पता है कि ये ब्रश आप किसके लिए लाए। ओके, ये ब्रश मैं किसके लिए लाया? ये ब्रश आप अपने लिए लाए हैं। एल्मो को मेरी पसंद का भी पता है। और आज का लफ्ज है पसंद। पसंद। शादी करना मुझको बहुत पसंद है। नानी अम्मा से बातें करना मुझको बहुत पसंद है। पौधों को पानी देना मुझको बहुत पसंद है। मेरी गुड़िया की शादी करना मुझको बहुत पसंद है। फूल बनाना कागज पर मुझको बहुत पसंद है। तोहफे देना अपनों को मुझको बहुत पसंद है। मेरी गुड़िया की शादी करना मुझको बहुत पसंद है। जादू सिखाएंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले कि वो सबको ना बड़ा जादू दिखाए, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पहले छोटा सा जादू दिखा दे, है ना? ठीक है। किरण। हाँ मुन्ना। किरण, जादूगर अंकल से बोलो ना कि वो हमें पहले छोटा जादू दिखा दे। हाँ जादूगर अंकल। जी बेटी। आप हमें छोटा सा जादू दिखा दें। हाँ बिल्कुल, ये देखो अब ये एक डब्बे को मैं बहुत से डब्बों में बदल दूंगा। तो करे जादू? करे। अंतर मंतर शु शंकर जादू जादू। वाह, दो डब्बे। अंतर मंतर शु शंकर तीन डब्बे। वाह, तीन डब्बे।
अंतर मंतर जादू जादू चार डब्बे चार डब्बे अंतर मंतर जादू जादू पांच डब्बे पांच डब्बे अंतर मंतर जादू जादू छह डब्बे अंतर मंतर जादू जादू सात डब्बे अंतर मंतर जादू जादू आठ डब्बे कमाल हो गया आठ डब्बे जादू 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 नौ डब्बे जादूगर अंकल ने तो कमाल ही कर दिया नौ डब्बे वाह जादूगर अंकल ये तो कमाल ही कर दिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हाँ और आज का नंबर भी है नौ हाँ हाँ जादूगर अंकल कहाँ गए पता नहीं दोस्तों कहीं जादूगर अंकल आपके पास तो नहीं पहुंच गए मेरा नाम रमजा है और मैं सूबे पंजाब में रहती हूँ मेरे अब्बा एक कुम्हार हैं वो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं मुझे अपने अब्बा का काम बहुत पसंद है घर बना लिया हम चार बहन भाई हैं हम सारे बहन भाई अपने अब्बा की तरह मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं दादी ये मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया अपनी पसंद की कोई चीज बनाइए रानी तुम क्या बना रही हो मिस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं तो तुम क्या बनाना चाहती हो मिस आप बताएं मैं फूल बनाऊं कि डब्बा बनाऊं जो तुम आसानी से बना सकती हो रानी वो बना लो मिस मैं फैसला नहीं कर सकती मिस फैसला करना इतना मुश्किल क्यों होता है फैसला करने से पहले हमेशा थोड़ा सोचना चाहिए अच्छा ये बताओ कि क्लास में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है हाँ
अगर मैं क्लास की दीवारों के लिए फूल बनाऊं, तो क्लास और भी खूबसूरत लगेगी। और अगर मैं कचरे का डब्बा बनाऊं, तो जिस जिसने कागज फेंकने हो वो उस डब्बे में फेंक सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या कुछ है? मेरे पास गत्ता है, रंगीन कागज है, गोंद है और टेप है। अच्छा ये बताओ इन सब चीजों से तुम क्या कुछ बना सकती हो? हाँ, इन चीजों से तो कचरे का डब्बा बन सकता है। मिस, इसकी हमारी क्लास में बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो ये तो अच्छा है। देखा, फैसला करना कितना आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस मिस मिस, मैं क्या बनाऊं? फातिमा आप मिस, बनाओ। मिस मैं बताऊं। रानी तुम बता दो। सबसे पहले सोचो तुम्हें किस चीज की जरूरत है, फिर देखो तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, फिर सोचो इन चीजों से सबसे अच्छा क्या बन सकता है, फिर फैसला करो और वो चीज बना लो। शुक्रिया रानी। रानी बहुत अच्छे तरीके से तुमने सबको समझाया। अब सब बच्चे जो जो चीज बना रहे हो जल्दी बनाओ, मुझे दिखाओ, ताकि मुझे पता लगे कि तुम सब लोग कितना अच्छा सोचते हो। ठीक है? सबकी पसंद।